हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं नोएडा अंकित भैया और के पास वीडियोस बनाने। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं घूमने और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे अलग अलग ड्रेसेस में। या दीदी साड़ी में वीडियो बनाएंगे भैया, हम तीनों जा रहे हैं और बहुत मजे करेंगे। और बीच में आशीष भी आएगा, उसको पिक करके और फिर हम जाएंगे। और अभी बहुत जाम था, हम जाम से निकले हैं बहुत देर में भाई। दिल्ली में बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, इधर से पीरागढ़ी से लेफ्ट आते हैं ना, जब बिल्कुल एंड में जा रहे हैं नोएडा साइड में। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को पहुंच के कि हम किस तरह की आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। सपोर्ट करना बिल्कुल और वायरल करना, मतलब हमारी वीडियोस को। जो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा वायरल कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में। देख लो इतनी दूर आए हैं वीडियो बनाने, दिल्ली वीडियो बनाने के लिए आए हैं आपके लिए। और आप हमारे वीडियोस को प्यार करना, सपोर्ट करना, लाइक कमेंट्स। तो चलो दिखाते हैं थोड़ा सा आपको कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। और अभी आशीष को रास्ते में से पिक करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे हम अपनी लोकेशन पे। हेलो गाइस, ये दिल्ली का जोड़ है। दिल्ली में भैंस तो है नहीं, इसमें कौन आता होगा। थोड़ी भैंस दिख गई, दो भैंस दिख गई, दो ने कही है दिल्ली का जोड़ है। अरे नाड़ा साइड में, ये नाड़ा भाई साइड में, ये रहा देखो नाड़ा। कुर्सी नदी है पर जोड़ क्या है, यमुना नदी रही है। यमुना नदी और यमुना नदी तो है, हेलो गाइस। तो सोनू अभी जा रही है उस जोड़ में नहाने के लिए, इसका मन कर गया नहाने का। जोड़ नहीं, सॉरी, यमुना नदी में अदू उतरने वाले, इसलिए गाड़ी साइड में लगा दी हमने। सोनू बोली भाई मैं तो नहा के आऊंगी, तो मन गया चलो ठीक है अभी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। अभी जा रही है, जूते जाते पहन रही है अपने, कोई नहीं ना आएगी, सुबह नहा के नहीं आई है। अरे ना के आई थी, पर यमुना में नहाना बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है चलो ठीक है, तू नहाया फिर जा, आप भी चलो। मैं यहाँ तेरा वेट कर रही हूँ, वेट नहीं, वीडियो वीडियो बना दी, वो लोग ले ले मन मन, यही से बोल दूंगी मैं। तू करना आया करे जोड़, मैं सिखा दूंगी मैं, तो ना बैस के ऊपर बैठ कर आऊंगी। बैसन लो कहूंगी। ये आशीष आ रहा है, देखो कैसे खुजाता रहा है, खुजली हो रही है इसको बेचारा आशीष। वो झंडे के पास खड़ा था, इधर आना था हमारी साइड और उधर चला गया। वर्कआउट आशीष का वर्कआउट तो यही हो गया। हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसको भी यहीं छोड़ के जाएंगे। क्या देखता रहा ये पागल सा, कभी गाड़ी में मिट जाए। बदमाश छोरा ड्राइविंग करेगा। हेलो आशीष, रोम रोम सबको भाई, रोम रोम। इतना टाइम लगा दिया तूने, 20 किलोमीटर आ गया। सोनू पकड़ियो, मैं पकड़ते थे, जाम भी लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा यार। तो गाइस हम देखो यहाँ जाएंगे, गाइस चलते हैं अंकित के पास, लगा रखे ना बेल्ट। हाँ यहाँ जाना हमें, और ये आ गए बहुत थक थके आ रहे हैं इंसान। पसीनों में देखो कैसे तिरम तिर हो गए। अगर वहाँ से आते पहुँच गए होते तो जरा तू पहुँच गया था। चलो गाइस पीछे बोल रहे थे। हेलो, ये देखो गाइस यार, यार जाले लगी पड़ी है, दिख नहीं रहा कुछ, जाले लगी है। क्या हो रहा है, मेकअप इधर साइड में, कचोरी वाले भी हैं ना, तो ऐसे है कचोरी भी इधर, यमुना बैंक रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन भी है। तो
पहुंच चुके हैं। ये है परमा फ्लाई और ये मैं हूँ और दीदी। बहुत खुशी हुई हमें इतने बड़े जाम से निकल के। चलो यहीं चलना होगा, गेट खोलो ना। चलो तो गाइस देखो बहुत सुंदर है ये भी। कहाँ है वो, कहाँ से एंट्री करनी है? ओ ये रहा बदतमीज अंदर। मैं देखो इसमें देख रही हूँ और कैमरे में नहीं देख रही। कूद रहा था ये। सही इधर से है रास्ता। प्लीज रिमूव योर शूज। और भाई सोनू और भाई अंकित वो। हाँ अंदर ही है। शूज फिर वॉशरूम में कैसे जाएंगे? उसमें अंदर है एक्स्ट्रा। अच्छा और भी बड़ी जल्दी आ गई। हेलो हेलो हाँ जी हम भी ब्लॉग बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं। गाने बंद कर दो ना, ब्लॉग तो कॉपीराइट आएगा। हाँ तो देखो ये अंकिल भैया क्या खेज में। हेलो कहाँ दीदी बस ये देखो। हाँ अच्छा तो नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हैं। हमारी वीडियोस बन चुकी हैं और आपको हम क्लिप दिखा देंगे क्योंकि व्लॉग हम बना नहीं पाए। तो उसमें क्लिप दिखा देंगे बीच में, ठीक है? तो अभी दीदी देखो दीदी ने क्या क्या किया था। तो ड्रेस चेंज कर दिया। तो ऐसे ऐसे स्टंट्स हमने यहाँ पे किए थे जिम में। और ये अपनी वीडियो ले रहा है पागल सा लड़का, फटाफट वीडियो ले लो, फटाफट वीडियो ले रहे हैं। और ये बाद में इन पे टाइम ना मिले। उसका नाम है पागल, दो नंबर पागल आशीष कुमार। और मेरे को तो आप जानते हो और दीदी है। और मैं आपका जिम का टूर कराती हूँ थोड़ा सा कि कैसा है। और गाइज मेरे को तो आप जानते हो आई एम इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 विनर, यू नो बॉम फायर। और ये दीदी और ये देखो इतना सुंदर जिम है। इधर बहुत सारे मैट्स हैं, एयर मैट्स भी हैं। और ये देखो इधर उनको मैं शीशा भी दिखाती हूँ, शीशे लाइट बंद करती हूँ। मैं दिख रही हूँ इधर, दिख रही हूँ, दिख रही हूँ। बहुत सुंदर है, तो वीडियोस ले रहे हैं इधर। तो गाइज हमारा ब्लॉग कैसा लगा वो आप हमें कमेंट्स में बता देना। और ये ब्लॉग मैं ज़्यादा अच्छी तरह तो नहीं बना पाई, लेकिन अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो बाय कर देते हैं, ठीक है? बाय 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 बाय। तो जा रहे हैं हमारे साथ जाएंगे, मेरे घर के बगल में स्टार्ट। तो गाइस दीदी की उंगली देखो, उंगली में बहुत चोट लग गई है। वहाँ पे आपने देखा होगा हम बार पे कैसे कर रहे थे और दीदी की उंगली मुड़ गई। दिखाओ दीदी। हाँ मोटी होना स्टार्ट हो गई है, मोटी अभी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई, मोटी भी बंद नहीं हो रही है। देखो कितनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई अब दीदी। माय गॉड भैया बन गए डॉक्टर, डॉक्टर अमित सैनी। और ये पता है कई दिन दुख लगाई हो और इसमें ना इसकी मालिश करनी पड़े तब ठीक होगा। सोनू छाला छाला मेरे भी हो गए यहाँ पे भी। देख दिख रहा है, दिख रहा है अलग से दिख रहे। फूल गए तो आपके तो देख मेरा ना। हाँ अभी देख वो फट गया, ये देखो छाला हो गया। गाइस मेहनत क्या करे, क्या करे, मेहनत पड़ती है। और अभी अभी हम रोड पे निकल चुके हैं, जोड़े में पहुंच गई।
दीदी रोड पे मैं चढ़ पे भगवान यह बात भी मैंने बतानी थी। देखो राम इतनी दूर गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके करेंगे थोड़ा रेस्ट। घर पे थोड़ा सा किया, सारा ही काम है मेरा ही, वो भी करना पड़ेगा। और कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल शालू जाएगी जजमेंट पे, एक कंपटीशन होने वाला है, थर्ड इंडियन डांस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट रोहतक का कंपटीशन होने वाला है। और कल मैं जजमेंट पे हूँ, जजमेंट पे है तो कल का देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डांस देखने को मिलेंगे कल, मुझे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जजमेंट का काम पता है आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि भाई सही बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना बच्चे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ज्यादा डिफिकल्ट किसी को जज करना ही होता है। लेकिन आजकल मैंने सुना है कि लोग सब एक दूसरे को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। शालू क्या कहना चाहोगे? सेकंड ओवर कर लेते हैं जज तो कर लेते हैं, लेकिन फिर है ना वो क्या होता है कि हम तो अपने आप से कर देते हैं, लेकिन फिर बच्चों का तो दिमाग बच्चों का ही होता है ना। नहीं, जैसे वो तो मान लो वो तो कंपटीशन की बात है, लेकिन जैसे अब हम अगर ह्यूमन नेचर अपना इंसानी उसमें देखें तो भी लोग मतलब बिना जाने समझे एकदम से जज कर लेते हैं। हाँ, ये तो करना है, रिम करना है। अगले दो मिनट में जज कर लेते हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उस बारे में मैं क्या बोलना चाहूंगी, सोच पे डिपेंड करता है। नजरिया देखने का, कैसा नजरिया है उनका देखने का, किस माहौल में वो रहते हैं। जिस माहौल में वो रहेंगे वैसा ही सोचेंगे। बिल्कुल सोसाइटी का फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है भाई, लोगों की थिंकिंग के ऊपर, थॉट्स के ऊपर। तो गाइस आप सभी से बस एक यही है कि भाई थॉट्स आप कैसे भी रखें, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा उनको आगे पुश करें, क्योंकि फैमिली का पुश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। सभी बच्चे मेहनत करके आएंगे, लेकिन बच्चों के मन में ये होता है कि हमारा प्राइज ये वो, छोटे बच्चों के मन में तो होता ही है, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमसे बेस्ट भी कोई आ सकता है। अब हमसे बेस्ट आ गया तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, तो उतनी मेहनत करो। साइड फेस दिखाता, मौसम बहुत सुहाना लग रहा है। सुहाना नहीं है, बहुत गर्मी है, बाहर निकल के देख। अरे देखो कैमरे में बहुत अच्छा दिख रहा है ना, कैमरे में ही दिख रहा है बस। कैमरे में तो हम भी बहुत अच्छे दिखते हैं, हम वैसे भी अच्छे हैं। तो गाइस आपको भैया के और दीदी के सुविचार सुनने को मिले, वो बहुत अच्छे थे, तो उस पर अमल भी करना चाहिए। सही बात है, मैं तो बहुत ज्यादा अमल करती हूँ। बिल्कुल बहुत करना चाहिए, अमल करती है, इसलिए तो आगे बढ़ रही है अब। नहीं करती थी तो नहीं बढ़ती थी, पहले नहीं करती थी तो नहीं फल मिलता था, फल मिलने लगा। धीरे धीरे सबको मतलब मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, धीरे धीरे मिलता है। बिल्कुल, और सबको मिलता है, टाइम मिलता है सबको है, लेकिन किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में। तो कंटिन्यू आप अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी मत छोड़ो, ऊपर वाला आपको सब कुछ देगा। किसी भी फील्ड में जाओ लेकिन मेहनत करो। और अभी यहाँ पे देखो दिल्ली का जाम, दिल्ली का ट्रैफिक जाम, अब इससे जूझने वाले हम लोग, और पता नहीं हम किस टाइम तक घर पहुँचेंगे। एक बार पीरागढ़ी पार हुआ ना, फिर उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है बस। तो अभी थोड़ा वीडियो एडिट कर लेते हैं।